Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 6, Verse Number 42. भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। शब्दों का अर्थ, अथवा योगी नाम एव, अथवा या योगी नाम विद्वान योगियों के, एव निश्चय ही, कुले भवति धीमता, कुले मना परिवार में, भवति जन्म लेता है धीमता अर्थात परम बुद्धिमानों के। एतद् ही यह निश्चय ही दुर्लभतरम् अत्यंत ही दुर्लभ है लोके इस संसार में जन्म जन्म यत जो ईदृशम इस प्रकार का। अनुवाद, अथवा मतलब यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान हैं। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे पर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच
कि अत्यंत सौभाग्य की बात है, सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस अत्यंत ही आध्यात्मिक शब्दों को भगवान के समझने के लिए हमें गुरु और गौरंग के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए मंगलाचरण करना है, ताकि उनके आशीर्वाद से हम इन आध्यात्मिक शब्दों को समझने के योग्य हो सकें और वास्तविक लाभ को प्राप्त कर सकें, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साक्षातम् सहगणरघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादम् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदी कौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय हो। हम श्रीमद् भगवद् गीता के छठे अध्याय में ध्यान योग के विषय में पढ़ रहे हैं।
जैसे भगवान से अर्जुन ने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है श्लोक नंबर 37 से लेकर 39 तक। अर्जुन ने कहा अयति ही श्रद्धयोपेता योगा चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छते। कृष्ण ये बताओ कि जो शुरू में तो बड़ी श्रद्धा के साथ भक्ति के पथ पर चलता है परंतु बाद में विचलित हो जाता है, तो ऐसे योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, उसकी गति क्या होती है? तो भगवान ने बताया श्लोक नंबर 40 में, भगवान ने कहा पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। पार्थ नहीं कल्याण कश्चित, जो कल्याण कार्य करता है उसका ना ही इस जन्म में और ना ही अगले जीवन में कभी अहित होता है, उसका कभी भी लॉस नहीं हो सकता, उसके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तातक गच्छति, जो अच्छा करता है, जो वास्तव में कल्याणकारक कार्य करता है उस पर कभी भी बुराई विजय नहीं पा सकती है। तो उसे क्या प्राप्त होता है? भगवान ने बताया श्लोक नंबर 41 में प्राप्य पुण्य कृताम लोका उषित्वा शाश्वती समा, के जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं किसी कारण से, तो वो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो प्राप्य पुण्य कृताम, जो पुण्य करने वाले लोग होते हैं उनके लिए जो लोक होते हैं वहां पर वो जगह उनको प्राप्त होती है और वहां पर वो दीर्घ काल तक रहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उसके पश्चात उनका जन्म होता है कहाँ? शुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। शुचि नाम अर्थात जो बहुत ज्यादा समृद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं ऐसे, और श्रीमताम यानी कि जो बहुत ज्यादा धनवान होते हैं ऐसे घरों में, जो योग से भ्रष्ट होते हैं ऐसे लोग को जन्म मिलता है। लेकिन वो लोग जो बहुत ज्यादा दीर्घ काल तक जिन्होंने तपस्या की होती है उनको इससे भी बड़ा लाभ मिलता है, और वो आज भगवान हमें बता रहे हैं श्लोक नंबर 42 में। भगवान कहते हैं अथवा, अथवा मतलब या, पहले तो जिन्होंने थोड़ी सी तपस्या की होती है लेकिन क्योंकि नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि इस मार्ग पर की गई थोड़ी सी भी प्रगति मनुष्य को महाभय से बचाती है, अर्थात पतन नहीं होता उसका कभी भी, भक्त का कभी पतन हो नहीं सकता। तो फिर वो पुण्य लोकों में जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं शुचि नाम श्रीमताम गए हैं, अच्छे जन्म परिवार में जन्म लेकर वो अपनी साधना को बढ़ा सकते हैं, उनको चांस मिलता है। लेकिन अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम, उससे बड़ी बात बता रहे हैं, अथवा योगी नाम यानी कि विद्वान योगियों के कुल में कुले भवति धीमताम, धीमता मतलब बुद्धिमान। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि भगवान ने ये बताया है कि जो वास्तविक योगी होते हैं वही बुद्धिमान होते हैं, लेकिन हम संसार में जो बुद्धिमान की जो परिभाषा है, जो बुद्धिमान के जो डेफिनेशन है ना, वो अलग है। आज के संसार में बुद्धिमान किसे माना जाता है? जो कि ज्यादा अच्छे तरीके से दूसरे लोगों को ठग सकता है, बोलते हैं हाँ ये तो मुझे भी बेच के आ जाए, या फिर किसी और अक्लमंद का नाम लेके बोलेंगे ये तो उसको भी बेच के आ जाए, इतना ज्यादा अक्लमंद है। लेकिन भगवान ने कहा वास्तव में योगी नाम एव कुले भवति धीमता, और भगवान बताते हैं 7.19 में बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वास्तविक बुद्धिमान वो होते हैं, ज्ञानवान वो होते हैं जो मेरी शरण में आते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमता, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान योगी जन होते हैं जो कि बाकी समस्त लाभों को तुच्छ समझकर मेरी शरण में आते हैं, ऐसे कुल में उनका जन्म होता है। किनका? जिन्होंने बहुत बहुत दीर्घ काल तक योग का प्रयास किया परंतु बाद में असफल हो गए, तो उन्हें फिर
जन्म कहाँ मिलता है? योगी नामेव कुले भवति धीमता, बहुत ही बुद्धिमान योगियों के कुल में उन्हें जन्म मिलता है। और भगवान कहते हैं, अभी हमें ऐसा लगता है, कभी मैं बचपन में ऐसे पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि और भी फिर है ना, ये तो उससे ज्यादा अच्छा नहीं हुआ ना उन लोगों को, तो और भी ज्यादा जो जिन्होंने ज्यादा तपस्या नहीं की उनको और भी अच्छा मिला, क्योंकि वो श्रीमान शुचिमतां ये है, जो बहुत ज्यादा अमीर भी होंगे, बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा, पहले तो सबसे पहले तो उन्हें पवित्र पुण्य लोकों में बहुत ज्यादा मजा करने को मिलेगा, उसके बाद अमीर खानदान में जन्म मिलेगा और है ना बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि धनी लोग होंगे तो वहां पर जन्म लेना अच्छा है ना, कि वहां पर आपको कोई है ना असुविधा नहीं होगी। अब ज्यादातर योगी लोग होते हैं या जो भक्त शुद्ध भक्त लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, और वहां पर चाहकर भी हम ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता था क्योंकि बुद्धि इतनी ज्यादा तीक्ष्ण नहीं थी, शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिला, तो मुझे ऐसा लगता था कि फिर उनको है ना बहुत मुश्किल होता होगा आगे प्रगति करने में, जो योगी लोग होते होंगे या फिर जो भक्त लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादातर धन भी नहीं होता है और सोशल उनका इतना एजुकेशन वगैरह भी वो नहीं हासिल कर सकते हैं, तो इन लोगों को कम मिला या उन लोगों को ज्यादा मिला इस के बारे में भगवान की राय पूछ जानते। भगवान कहते हैं एतद्धि दुर्लभतरम, एतद्धि दुर्लभतरम, मतलब ये जो जन्म है कौन सा, योगियों पवित्र योगी जो बहुत बुद्धिमान है ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेना भगवान कहते हैं दुर्लभतरम। एक तो होता है दुर्लभ, उससे ज्यादा अति दुर्लभ और उससे ज्यादा दुर्लभतरम, यानी कि यहाँ पर भगवान हाईएस्ट डिग्री का दुर्लभ बता रहे हैं उसको, लोके लोके मतलब इस जन्म में इस संसार में, जन्म यदि दृश्यम, इस प्रकार का यानी शुद्ध भक्तों जो शुद्ध योगी होते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं उनके घर में जन्म लेना भगवान कहते हैं एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम, कि इस संसार में इस प्रकार का जन्म प्राप्त करना अत्यंत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसी जगहों पे जन्म। अमीर तो कोई भी बन सकता है, थोड़ा सा पुण्य प्राप्त करके आप स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन शुद्ध भक्त जो भगवान के होते हैं, जो वास्तव में बुद्धिमान होते हैं और भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं, अपना समस्त जीवन अपने जीवन का सार कृष्ण को समझते हैं, ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेना भगवान बोलते हैं बहुत 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 कठिन है। अब भगवान ने पहले वाले श्लोक में ये बात नहीं कही कि एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म, कि यहाँ श्रीमान शुचिमतां गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते, या फिर प्राप्य पुण्यकृताम लोकम, कि पुण्यकृताम या स्वर्ग लोक में जाना या फिर अमीर खानदान में जन्म लेना वो दुर्लभ है, भगवान ने ऐसी बात नहीं की। भगवान ने कहा उन्होंने थोड़ी सी तपस्या की है तो उनको ऐसा जन्म मिल जाता है, लेकिन आज भगवान बता रहे हैं कि बुद्धिमान योगी जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके घर में जन्म लेना अत्यंत ही दुर्लभ है। तो यहाँ पर प्रश्न होता है क्यों, तो पहली बात तो ये है कि ऐसी जगह पर बच्चे का जन्म हुआ जो पहले से ही आध्यात्मिक संस्कार में बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं, भक्ति में एडवांस होते हैं, उनको आध्यात्मिक कल्चर प्राप्त होता है, बच्चा संसार में आता है और उसके प्रथम स्टार्ट आने से पहले ही गर्भदान संस्कार में और फिर आने के बाद प्रथम दिन से उसको उसकी डिवोशन स्टार्ट हो जाती है, डिवोशनल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। वो भले कोई अभी तक प्रयत्न नहीं कर सकता, अब अमीर खानदान में वो पैदा हुआ है जरूरी नहीं है कि वो भक्त भी हो और उसे भक्ति में लगाया जाए, हो सकता है कि जिस अमीर घर में या फिर पैदा हुआ है वो, तो अगर उसको चांस, मतलब भले ही उसको चांस मिला है इसी जगह पर पैदा होकर वो बहुत अच्छी भक्ति कर सकता है, लेकिन अगर उसको भक्तों का संग नहीं मिलता है या ऐसा सर्कमटेंसेस नहीं होते हैं, ऐसा वाइब्रेशन शुद्ध वातावरण नहीं मिलता है, तो फिर क्या होगा, वो धनी परिवार में रहकर और भी बिगड़ जाएगा,
है ना, क्योंकि उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा होगा कि जहाँ पर उसको भौतिक वस्तुओं की तरफ और भी ज्यादा आकर्षण मिलेगा। अब पिछले जन्म की चेतना विकसित होती है, ये भक्ति ऐसा है कि आपका अकाउंट जमा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन जिस टाइम पर आपकी इच्छा तीव्र हो रही है ना, जिस टाइम पर आप, ऐसा नहीं है कि आप अगर भक्ति से गिर जाते हो या दूसरा जन्म आपका ऐसी जगह पे होता है जहां पर आपको भक्ति का चांस नहीं मिलता है, तो आपकी पिछले वाली भक्ति समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। वो पिछले वाला आपका क्रेडिट आपके पास जमा है, लेकिन जैसे आपको पूर्व जन्म की स्मृति होगी और आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, तो आपने जितना परसेंट पहले भक्ति कर ली है उतने परसेंट से आगे आपको बढ़ना होगा। लेकिन अगर इच्छा उत्पन्न करने के लिए तो आपको संघ चाहिए ना, आपको वापस से भक्ति को, अपनी भक्ति को डेवलप करने के लिए ऐसे लोगों का, जैसे आज हम सब यहाँ पर भगवद्गीता को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इससे अगर 2 साल, 3 साल या 4 साल पहले अपनी लाइफ को देखें तो हो सकता है कि हम भक्ति में नहीं होते क्योंकि हमें संघ नहीं मिलता, हम भगवद्गीता भी हमने नहीं पढ़ी थी। तो ये संघ प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो संघ हमें प्राप्त हो। तो वो कभी कभी बहुत समय लग जाता है, अमीरों को या दूसरे लोगों को चाहते हुए भी नहीं मिलता है, लेकिन अब उसको जो मिला है दूसरा, जो आगे हम पढ़ रहे हैं आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अथवा योगिनामे व कुले भवति धीमत, जो वैसे ही इस जगह पर आके टपक गया जहाँ पर वैसे ही सब लोग भक्त हैं। सुबह उठते हैं, सबसे पहले मंगला आरती हो रही है, उसके बाद भगवान का श्रृंगार हो रहा है, उसके बाद है ना भगवान को प्रसाद अर्पण किया जा रहा है, उसके बाद बच्चे को प्रसाद खिलाया जा रहा है। माँ पहले भगवान की सेवा करती है और बच्चे को साथ साथ में बताती है महामंत्र, एकदम जो फीडिंग बेबी होता है वो भी माता उसको दूध पिलाते वक्त भी महामंत्र का जप कर रही होती है। एकादशी का उपवास रखा जाता है, सदैव घर में भगवान की चर्चा होती है, साधु संत आ रहे होते हैं और साधुओं के दर्शन और आशीर्वाद भक्त को, बच्चे को मिल रहे होते हैं, सदैव कीर्तन चल रहा होता है, भगवान के पवित्र नाम का स्मरण चल रहा होता है और कथाएं हो रही हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं। तो ऐसी जगह पर जन्म लेना मतलब वो खुद खुद ऑटोमेटिकली बच्चा डिवेलप कर रहा होता है। लेकिन अगर अमीर घर में कोई पैदा हो जाता है तो वहां पर भले ही भौतिक भौतिकता के लिहाज से, मटेरियल लिहाज से बहुत ज्यादा सुंदर हो वो लोग, बहुत ज्यादा धनी हो, भौतिक एजुकेशन भी बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन क्योंकि उसको ऐसे शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि वो गलत राह की ओर चला जाए, क्योंकि उसके पास सुविधाएं बहुत हैं, धन बहुत है, तो वो नियम को फॉलो कर सकते हैं, है ना। नहीं, मेरा मतलब है अपनी पोस्ट और अपनी हैसियत का दुरुपयोग करके, उसका नाजायज फायदा उठाकर भी वो कोई गलती कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग अमीर खानदान के बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो भले ही ज्यादा भक्ति करने के बाद हमें ऐसे अमीर घर में जन्म मिलता है, लेकिन वहां पर बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो फिर ऐसे जन्म का क्या फायदा जिसका जन्म तो हमें हमें बहुत मुश्किल से तपस्या करने के बाद मिला, लेकिन उस जन्म में हम ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं जो हमें बाद में नरक में भेज दे या फिर जानवर बना दे। तो फिर इससे ज्यादा बेहतर, भगवान इसलिए बता रहे हैं एतद्धि दुर्लभतरम, बहुत ज्यादा बेहतर ये कि भले ही अगर साधु लोग होते हैं या शुद्ध वैष्णव होते हैं, भले बहुत ज्यादा उनके पास धन नहीं होता, भौतिक एजुकेशन नहीं होती है, भले वो भौतिक भौतिक तरीके से ज्यादा एडवांस नहीं होते हैं, ज्यादा सुंदरता भी नहीं होती है, ज्यादा उनके पास कुछ ऐसा होता नहीं है जो भौतिक लिहाज से अच्छा लगे, परंतु फिर भी उनके पास चांस बहुत ज्यादा होते हैं इस भौतिक जगत को जल्द से जल्द क्रॉस करके भगवान को प्राप्त करने के। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुलों में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। एक छोटा बच्चा होता है, स्टार्ट से ही उसकी भक्ति का जीवन स्टार्ट हो जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर भगवान से एक अत्यंत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं। वैसे तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका कभी दूसरा जन्म नहीं लेता होता है, परंतु जो शुद्ध वैष्णव होते हैं ना,
वो सदैव अपने आप को नीच मानते हैं और कहते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के यदि हम भजन सुनेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा कि वो हमेशा अपने आप को पतित बताते हैं, लेकिन वो नहीं होते हैं, वो इसलिए बताते हैं ताकि हम सुने और हमें ये रियलाइज हो कि हम इस सफेद पोशाक में कितने अपवित्र ख्यालों से जुड़े हुए हैं। वे कहते हैं, हमारा जीवन सदा पापी रहता, नहीं को पुण्य रलीशा। हे भगवान, मेरा पूरा जीवन पापों से घिरा हुआ है, मेरे अंदर एक लेश मात्र का भी पुण्य नहीं है, तो इसलिए संभव है कि मैं किसी जन्म में आपको ना प्राप्त कर सकूं। तो भले ही आप यदि मुझे जन्म देना चाहें बारंबार इस भौतिक जगत में, तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जाहिर है अपने अपराधों की तो मुझे सदा भुगतनी पड़ेगी, परंतु मेरे कृष्ण, आपकी जैसी इच्छा है आप मेरे साथ वैसा करें, लेकिन यदि मुझसे पूछते हैं कि आप मुझसे अगर आप पूछो कभी कि आपको कैसा जन्म चाहिए, किस तरह का जन्म चाहिए, तो मैं आपसे एक प्रार्थना जरूर करूंगा कि एक शुद्ध वैष्णव के घर का मुझे एक कीड़ा बना दो ना, यदि तो भी मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगा। एक शुद्ध वैष्णव के घर का एक कीड़ा बनने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि वहां पर मैं जाऊंगा तो शुद्ध वैष्णव के दर्शन हो सकेंगे, शुद्ध वैष्णव के चरणों की धूल का स्पर्श प्राप्त होगा, शुद्ध वैष्णव का बचा हुआ उचिष्ट खाने को मिलेगा। तो अगर आप मुझे एक शुद्ध वैष्णव के घर में कीड़ा भी बना देते हो तो मैं बहुत ही प्रसन्न रहूंगा। इसकी बदली में यदि अगर आप मुझे ब्रह्मा की पोस्ट भी देते हो, लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं होती है, शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता है, तो मुझे ब्रह्मा की पोस्ट भी नहीं चाहिए, मैं ब्रह्मा बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। कृपया मुझे किसी शुद्ध वैष्णव के घर में एक इंसेक्ट बना दो, एक कीड़ा बना दो, ताकि मुझे भगवान और भगवान के भक्तों का आश्रय प्राप्त हो सके। तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर वैष्णव के घर पे यदि हम कोई जानवर भी बन जाते हैं तो भी हमारा कल्याण होता है, तो शुद्ध वैष्णव के बच्चों का क्या कहना। तो इसका मतलब है कि हम जो देखते हैं, हम अक्सर सत्संग में जाते हैं, क्लासेस में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं शुद्ध वैष्णवों के, इधर उधर घूम रहे होते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि दीज आर वेरी स्पेशल सोल्स, इन्होंने पिछले जन्म में बहुत बहुत पुण्य किए हैं, बहुत बहुत भक्ति की है, अपनी साधना को इनकम्प्लीट है, इसलिए इस माहौल, ईसा भगवान ने उनको माहौल दिया है जहाँ पर वो स्टार्ट से ही भक्ति कर सकते हैं। आजकल के माहौल में लोग को नॉन वेजिटेरियन ना खाने के लिए भी कन्विंस करना कितना कठिन होता है। हम बता नहीं सकते उनको कि भाई आपको ये सब चार नियम का पालन करना है, लेकिन ये भक्तों के बच्चे पैदा होते ही सारे नियम को फॉलो करते हैं, बाय बर्थ शुद्ध वैष्णव का संग, बाय बर्थ सारे नियम को फॉलो करते हैं, तो ये कितना दुर्लभ है। भगवान कहते हैं तद्धि दुर्लभतरम, ये खाली दुर्लभ नहीं, बहुत 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 दुर्लभ है। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं, सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद जी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को ऐसे कुल में, पहले अपने गुरु महाराज के विषय में बताया कि मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, जानते हैं वो किन के पुत्र थे, भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र थे। भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट थे और भक्ति में बहुत ज्यादा प्रचार चाहते थे, वो चाहते थे कि भक्ति में इनकलाब आना चाहिए, लेकिन उनको लग रहा था कि आजकल जो प्रचारक है उनमें वो दम नहीं है कि वो किस तरह से भगवान की भक्ति के लिए सोए हुए जीवों की आत्मा को जगाए। तो सदैव भगवान से ये प्रार्थना करते थे कि भगवान मुझे एक पुत्र प्रदान करो
जो कि बहुत बहुत तीव्रता से प्रचार करें। हालांकि उनके पहले भी 13 बच्चे थे, सब भक्त थे, सब प्रचार करते थे, लेकिन उनको जो शुद्ध वैष्णव का, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जब प्रचार करते थे तो सिंह की तरह धाड़ते थे, तो सदैव भगवान से उन्होंने, क्योंकि उनके पिता ने बहुत प्रार्थना की थी, तो वो शुरू से ही उनको भक्ति का सा माहौल मिला बचपन में ही। जैसे उनके पिताजी भक्त थे, भक्ति विनोद ठाकुर हमेशा कहते हैं कि जब मैं घर पे आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गौलोक वृंदावन में मुझे गौलोक वृंदावन धाम में आया हूँ। हर जगह पर मुझे केवल कृष्ण सेवा ही दिखती है, कहीं पर आरती की तैयारी होती है, कहीं पर बैठ के सब माला कर रहे होते हैं, कहीं भगवत गीता या भागवतम के शास्त्र को पढ़ा जा रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी को बहुत अच्छा लगता था, मतलब वो छोटे होते थे और सबने घर में सदैव उनको वही माहौल चाहिए होता था, सब उससे बहुत खुश होते थे, तो जोर जोर से कीर्तन चल रहा होता था, वो नृत्य करते थे और इस तरह से बहुत ही सुंदर वातावरण। तो क्योंकि वो मिनिस्ट्रेट थे तो जब भी घर पे आते थे कोर्ट से तो उनको ऐसा माहौल लगता था, उनको बहुत अच्छा लगता था। और आजकल जब पिताजी घर पे आ रहे होते हैं तो बेटी दूसरे रूम में टीवी कंट्रोलर हाथ में लेके दूसरे रूम में देख रही होती है, बेटा दूसरे रूम में बैठकर मोबाइल या कंप्यूटर पे बैठा होता है, और पत्नी अलग से अपनी शॉपिंग करके आ रही होती है, पूछना पड़ता है भाई आप किधर हो, और इस तरह से, या फिर घर में अगर होंगे तो तीनों में लड़ाई हो रही होती है। लेकिन शुद्ध वैष्णव के घर का ऐसा माहौल नहीं होता है, सदैव हर समय भगवान की चर्चा चल रही होती है। जब वो छोटे से थे, बिल्कुल छोटे से थे, उनके घर के बाहर से, क्योंकि उनका जन्म हुआ था जगन्नाथपुरी में, तो उनके घर के बाहर से रथ जा रहा था, तो उनकी माँ ने विमला प्रसाद, उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का, तो विमला प्रसाद को भी वहां पर लेकर गई, रथ के दर्शन कराए, जगन्नाथ भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए वो लेकर जा रही थी, तो पांडे ने, वो जो पांडे थे क्योंकि जानते थे वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर को सब, तो उनको उठाया बच्चे को, और जैसे ही जगन्नाथ जी के चरणों को स्पर्श कराया तो उनके गले की माला जो है वो डायरेक्ट से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के सिर पे आके पड़ गई, उनके गले में आके पड़ गई। तो उसी समय से भक्ति विनोद ठाकुर ने समझ लिया कि ये मेरा बच्चा वही है जिसके लिए मैं सदैव प्रार्थना करता था, भगवान ने यही बच्चा भगवान के नाम का और भगवान के शास्त्रों का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रचार करेगा। उन्होंने जीवन भर कभी शादी नहीं की, बहुत बहुत प्रचार किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होते हैं, कर्मों से होते हैं, गीता के ज्ञान का और भागवतम का बहुत बहुत प्रचार किया उन्होंने। और इसके अतिरिक्त प्रभुपाद जी ने बताया कि सौभाग्यवश हमारे गुरु महाराज विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर, यानी श्रील प्रभुपाद जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं भी जब जिस परिवार में जन्म लिया था तो श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी का नाम था गौर मोहन डे, वो बहुत साधु थे, बहुत ज्यादा भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त थे, उनके घर पे ही बचपन से, जब से श्री प्रभुपाद जी पैदा हुए थे उससे पहले ही उनके घर पे बहुत सारे साधु आते थे, राधे कृष्ण की सेवा होती थी, घर में प्रसाद अर्पण होता था, कीर्तन होता था, और बहुत सारे साधु आके वहां पर कृष्ण कथा करते थे। श्री प्रभुपाद जी छोटे से थे तो उन्होंने एक अपने पिताजी से जिद की कि मुझे ना जगन्नाथ का रथ बनाना है और जगन्नाथ रथ का फेस्टिवल मनाना है, मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा रथ यात्रा कराऊंगा। तो गौर मोहन डे बहुत प्रसन्न हुए और उनको एक रथ बना के दिया जिसमें उन्होंने जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव के विग्रह रखे और पूरा एरिया में वो रथ यात्रा करने लगे। इतने छोटे से, मतलब छोटे से थे परंतु उनको, क्योंकि बचपन से ही ऐसा माहौल, आज के ये जो यंग बच्चे होते हैं वो, उनको खाली एक ही चीज याद होती है, वीडियो गेम्स, मुझे कंप्यूटर पे ये करना है, गेम्स गेम्स ये सब, और ऐसी ही चीजें, मतलब
मुक्ति के विषय में, क्योंकि भले ही कितना ही उनको पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार अच्छे धनी परिवार में जन्म लिया, लेकिन ऐसा वातावरण मिलना बहुत मुश्किल है जो भक्तों के घर पे होता है। श्री प्रभुपाद जी की माता उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहती थी, लंदन में भेजना चाहती थी, लेकिन श्री प्रभुपाद जी के पिताजी ने कहा कि नहीं, मैं अपने पुत्र को लंदन नहीं भेजूंगा, वहां पर जाकर हो सकता है वो स्पॉइल्ड हो जाए और भक्ति से गिर जाएगा, मुझे उसको उससे बहुत ज्यादा धन नहीं कमवाना है, बहुत ज्यादा भले भौतिक लेवल पे वो बहुत ज्यादा अमीर ना हो, बहुत ज्यादा उसको आर्थिक विकास ना कर पाए, लेकिन मुझे उसे ग्रेट वैष्णव श्रीमती राधा रानी का बहुत ही बड़ा भक्त बनाना है, प्रचार कराना है, बहुत जीवों का कल्याण कर सके वो। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे कुल हैं योगियों के, कुछ अभी कलयुग के दौरान कुछ तो ऐसे हैं कि अपर्याप्त विद्या के द्वारा उनका पतन हो गया, लेकिन भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों के को प्रश्रय मिलता है, यानी कि योगी आते हैं हर जन्म में उनके यहाँ पर, योगियों की कुल है और वहां पर ही जो बच्चा जन्म लेता है तो उसको बहुत ज्यादा पिछले जन्म के संस्कारों के हिसाब से उसको बहुत तीव्रता से भगवत प्राप्ति होती है। अब देखो मेन यहाँ पर समझने की बात क्या है कि इस भौतिक जगत में जो हमें मिला है श्लोक नंबर 41 में, पहले तो पुण्य कृतान लोकों में भेजा गया, ठीक है, वो वाला लोक भी अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, वहां पर भी भले वो दीर्घ काल तक रहते हैं लेकिन फिर भी मेटेरियल एंजॉयमेंट इस मेटेरियल एंजॉयमेंट भौतिक आनंद तो फिर भी भौतिक है, वो अशाश्वत है और उसमें कहीं ना कहीं दुख लिपटा हुआ है। भले अमीर के घर में पैदा होगा तो क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचा रहेगा, भले ही वो पुण्य कृतम लोका में शाश्वत का काल तक रहेगा तो भी क्या एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि वहां से उसको निकाल दिया जाएगा। तो वास्तव में जीव तब तक सुखी नहीं होता जब तक कि उसे वास्तविक सिद्धि यानी कृष्ण प्राप्ति नहीं हो जाती, इसे भगवान बताएंगे आगे, हम पढ़ेंगे ना श्लोक अध्याय नंबर 8 में, श्लोक नंबर 15 में भगवान बताएंगे कि ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन 8.16 में भगवान ने बताया कि अगर तुम्हें ब्रह्मलोक तक भी तुम चले जाओ जहाँ पर दीर्घ काल है, उस वहां पर आयु का कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन 4,32,00,00,000 वर्षों के बराबर है हमारे और एक दिन, और उतनी मुद्दत यानी 8,64,00,00,000 वर्ष के बराबर एक दिन है, भले कितना ज्यादा वहां पर जाके आनंद करे लेकिन भगवान कहते हैं वहां पर शाश्वत काल तक कोई नहीं रह सकता। पुनरावृत्ति नो अर्जुन, तो यदि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचना है तो क्या करना है, भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म ना विद्यते, अगर मुझे प्राप्त किया तो फिर आप ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक कष्टों से केवल तभी मुक्त हो सकते हो जब मुझे प्राप्त करो। तो वास्तव में ज्यादा तीव्रता के साथ, ज्यादा दृढ़ता के साथ और ज्यादा तेजी के साथ हम जब ही भगवान के पास जाएंगे, जब हम ऐसे कुलों में पैदा होंगे जिसके लिए भगवान अभी बताते हैं योगी नाम एव कुले भवती धीमता, ऐसे जो कुल योगियों के कुल होते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं, उनको पता है एक क्षण भी, वास्तव में बुद्धिमानता क्या है जानते हो, कि हम एक क्षण भी अपने जीवन का वेस्ट ना करें, हर समय ये सोचें कि आगे कैसे बढ़ना है, कैसे आज के इस समय को भगवत भक्ति में लगाकर उसको सफल करना है और कैसे ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त करें। तो फिर यहाँ पर भगवान कहते हैं एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम, ऐसा कुल में जन्म लेना बहुत कठिन है। श्री प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं और मेरे गुरु महाराज भगवान की कृपा से भगवत भक्ति करने का शुरू से ही हमें प्रशिक्षण मिला और बाद में दिव्य व्यवस्था के कारण अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई, और फिर श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि हम यानी कि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वाकई में कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत बहुत जन्मों की तपस्या, और कभी गुरु महाराज तो ये जन्म के कर्मों के फलों के अनुसार भी संसार में नहीं आते हैं, बल्कि ये भगवान की व्यवस्था होती है कि शुद्ध वैष्णवों को भेजते हैं और ताकि
दूसरे लोग का कल्याण हो सके। क्योंकि अगर ऐसे शुद्ध वैष्णव, किसी ने अगर ये प्रश्न किया कि क्या गुरु महाराज जी कर्मों के अनुसार संसार में आते हैं, तो ये वास्तव में कर्मों के अनुसार नहीं आते, ये भगवान की व्यवस्था होती है। शुद्ध वैष्णव जो कि भगवान के लोक के वासी होते हैं, उनको भेजते हैं, क्योंकि भगवान के हृदय में बहुत ज़्यादा करुणा होती है और वो चाहते हैं कि जो संसार में दुखी जीव हैं उनका कल्याण हो, इसलिए उनको संसार में भेजते हैं ताकि वो हम जैसे पतित आत्माओं को भगवान की ओर ले जा सकें। तो यहाँ तक भगवान ने अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दिया कि उनका होता क्या है जो भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन बाद में विचलित हो जाते हैं। तो पहले भगवान ने बोला कि अगर थोड़ी भक्ति की होगी, जल्दी ही पतन हो गया होगा, तो वहाँ पर पुण्य लोकों में दीर्घ काल तक रहेंगे और फिर शुचिना श्रीवताम ये है पवित्र आत्माओं या फिर अमीरों के घर में पैदा होंगे। और अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा भक्ति की होगी और बहुत ज़्यादा भक्ति करने के बाद उनका पतन हुआ होगा, तो फिर बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेंगे। और ऐसा जन्म प्राप्त करने के बाद क्या होगा? अब जन्म ले लिया, उसके बाद क्या होगा तो वो भगवान कल बताएंगे। कृपया साथ रहिएगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए रोज़ भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना कर लिया कीजो कि मेरी साधना अच्छी हो सके, मैं दृढ़ता के साथ अपनी साधना कर सकूं और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं, गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। हरे कृष्ण।